पार्ट होते हैं किसी भी एक टॉपिक में, क्या एक वो पार्ट जो सब याद कर लेते हैं और एक वो पार्ट जो कोई याद नहीं कर पाता। आपको क्या करना करना, जो सब याद करने थे वो अपने नोट्स में नहीं डालना। नहीं 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 हाय गाइस, दिस इज आशा राजपूत और आज की वीडियो बात करने वाला यार कि इसके नोट्स आप कैसे बना सकते हो। उससे पहले मैंने केमिस्ट्री की वीडियो की बता दी है कि केमिस्ट्री के नोट्स आप कैसे बना सकते हो। यार ये वीडियो अलग कैसे है फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स से, तो यार केमिस्ट्री में हमें रिएक्शन याद करनी पड़ती है, बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स याद करने पड़ेंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी रिएक्शन के लिए। लेकिन फिजिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है यार, इसमें हमें फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला शीट्स याद करनी है, उसके अंदर कौन कौन से डायग्राम है, क्या इल्यूजन है, क्या हमें इमेजिनरी पार्ट रखने हैं, उसके अंदर क्या नहीं रखने हैं, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या नहीं है। सारी वीडियो मैं यही बात बताने वाला हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट कैसे है, फिजिक्स बिल्कुल डिफरेंट कैसे है। तो गाइस शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। यार गाइस फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है यार, यूज द कलरफुल हाइलाइटर्स, क्योंकि यार ये मैंने केमिस्ट्री के नोट्स में ही बताया था यार, कलरफुल हाइलाइटर्स यूज करने से ना आपका फायदा सबसे पहले यही होता है एट द टाइम एंड द एग्जाम, मतलब जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल एंड टाइम पे कर रहे होगे, रिविजन कर रहे होगे अपनी नोट्स उठा उठा के, तब आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। यार उस समय ना सारे, मान लीजिए आप किसी एक ही पॉइंट से लिख रहे हैं, किसी एक ही कलर के पेन से लिख रहे हो, हाईलाइट से लिखा हुआ है, तो यार आपको यही पता नहीं चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पर आपने कोई डिफरेंट कलर से लिख रखा है तो यार आप समझ जाओगे कि हाँ यार, मान लो आपने ग्रीन पेन से पूरी नोटबुक में वही पॉइंट लिख रखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने से पहले आपको वो पॉइंट जरूर याद करने हैं। मान लीजिए वो आपने ग्रीन पॉइंट ग्रीन हाइलाइटर से लिख रखा है, तो आपका क्या होगा जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे लेट नाइट, मतलब एक दिन पहले आप जब कर रहे होगे, तब आपका फायदा ये होगा कि आप वो ग्रीन लाइन जरूर पढ़ के जाओगे, आप वो 10 लाइन में से एक ग्रीन लाइन छाटोगे और वो पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। ये इसलिए काम में देगा यार ये पॉइंट, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब जब आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे बिल्कुल एक दिन पहले, जब आप सब चीज़ रिवाइज कर रहे होगे, तब आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। अगर आपने नहीं बनाए हैं तब और आपने बनाए हैं तब, तो उस दिन आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी इस पॉइंट की। तो यार ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यार यूज़ द कलरफुल हाइलाइटर्स, ठीक। इसके बाद क्या बात करते हैं यार, नोट्स की बात करूँ तो यार बहुत से स्टूडेंट होते हैं यार, मैं ये वीडियो सही बताऊँ उसके लिए नहीं बनाता हूँ, जो कि वो वीडियो मतलब वो अपने नोट्स बना रहा है, जो कि अपने नोट्स खुद बना रहा है और उसे समझ में भी आ जाता है, मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ यार, क्योंकि जो खुद नोट्स बनाता भी है लेकिन वो अपने उसे समझ नहीं पाता, अपने ही नोट्स को नहीं समझ पाता है, तो यार उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ यार। जिसे अपने नोट्स समझ में आ जाते हैं वो वीडियो नहीं देखे, यहीं स्किप करके चले जाए, क्योंकि यार इससे फ़ायदा, क्योंकि यार जो अपने नोट्स से रिविज़न होता है, अपने नोट्स से समझ में आता है, अपने नोट्स से जो अपने दिमाग में बैठता है ना, वो किसी और के नोट्स से, किसी और के समझाने से, किसी और के वजह से नहीं आता है, ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें अपने ही नोट समझ में नहीं आते हो। गाइस ये मैं आपको बता दूं, अब मैंने आपको बताया जैसे कि हम बिल्कुल फ्री क्लास 9-10 का कोर्स मैथ का एंड साइंस का वो करा रहे हैं, तो उसके नीचे यार हर चैप्टर के नीचे, हर वीडियो के नीचे यार आपको लिंक मिल जाता है, उसमें जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। क्या PDF डाउनलोड कर सकते हो नोट्स की और क्वेश्चन आंसर की। यार आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यार मैं हर वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ यार, जिसमें आप PDF नोट, जो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो उस सेशन की पूरी PDF नोट्स आपको मिल जाती है। तो गाइस आई होप वो आप ले लेते होगे अगर आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक। अब बात करते हैं नोट्स के ऊपर की बात, तो यार नोट्स क्या इंपॉर्टेंट है ये बात भी मैंने पहले कवर कर लिया, क्या सही में नोट्स इंपॉर्टेंट है यार फिजिक्स के लिए। तो यार अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के लिए नोट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, असल में इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यार क्लास 10 की बात करूँ, 9th की बात करते हैं, तो यार 9th में इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और वो रिलेट करते हैं क्लास 11 से। हर क्लास 9 का बेस आपका बिल्कुल तगड़ा नहीं है ना, क्लास 10 तक आप क्लास 11 में आप कुछ कर नहीं पाओगे यार, इसलिए उनका बेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यार इसलिए क्लास 9 के लिए, अगर आप क्लास 9 के लिए वीडियो देख रहे हो तो यार आपको न्यूमेरिकल्स बहुत पक्के करने हैं यार, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, थ्योरी कोई नहीं देखने का है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स रखने हैं, अपने कॉन्सेप्ट अंदर बिल्ड करने हैं। अब बात करते हैं 10th की, तो यार 10th में इतने न्यूमेरिकल्स है नहीं जो आप करो। 10th में मेरे हिसाब से नोट्स की, अगर कोई स्टूडेंट होते हैं उन्हें नोट्स की जरूरत पड़ती ही नहीं है, और अगर किसी को पड़ती है तो उनके लिए क्या काम करो यार, आप जो मेन टॉपिक होते हैं ना, तो यार एक तो वो दो तरीके के, कोई भी टॉपिक में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक वो पार्ट जो सब याद कर लेते हैं और एक वो पार्ट जो सब याद नहीं कर पाते। दिमाग में ये बात रखिए, दो पार्ट होते हैं किसी भी एक टॉपिक में, क्या
एक वो पार्ट जो सब याद कर लेते हो, एक वो पार्ट जो कोई याद नहीं कर पाता। आपको क्या करना करना, जो सब याद करने थे वो अपने नोट्स में नहीं डालना। नहीं, ये गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना, जो कोई भी याद नहीं करता है, जो कोई भी एक्सेप्ट कर देता है, सोच लेता है या मुझसे नहीं हो पा रहा, या फिर वो करना है क्या, जो एक्चुअली सबको याद नहीं हो पाते, चाहे सबको याद हो लेकिन हो सकता है कुछ कुछ को याद नहीं हो पाते हो, वो आपको अपने नोट्स में डालना है कि यार ये टॉपिक मुझे उस समय भूलना नहीं है, क्योंकि यही टॉपिक यार कुछ तो एक्स्ट्रा करना है। जब तक कुछ एक्स्ट्रा यार, वही बच्चा, वही स्टूडेंट जो आपकी क्लास में पढ़ता है, वही ट्यूशन में पढ़ता है, उतने पैसे वो देता है, उतने पैसे आप देते हो, तब भी ऐसा क्या है वो 95% लाता है और आप 80-70 पे बैठ जाते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, तो यार कुछ तो एक्स्ट्रा करना है। और एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, जो पार्ट सब याद कर लेते हैं वो नहीं लिखना है नोटबुक में। नहीं, हमें क्या करना है, जो कोई याद नहीं कर पाता वो लिखना, ठीक है? दिमाग में बैठ रही है बात। अब बात करते हैं यार अपने नोट्स के ऊपर द्वारा आते हैं। तो यार पहली मैं बता दूं, PDF हम दे रहे हैं आपको फ्री में, तो आपको बस जाना है, डाउनलोड करना है वो नोट्स, ठीक? अब यार एक बात और थी यार मेरे दिमाग में, कि जो फिजिक्स की बात चल रही है तो उसमें डायग्राम्स, इल्यूशंस जो बात मैं कर रहा था, कि यार किस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम इतने नहीं होते, लेकिन यार जो ग्राफ्स डायग्राम्स होते हैं वो कैसे समझ सकते हैं। तो यार अगर क्लास 10 की बात करूँ, यार क्लास 9th में तो आप कर लोगे, क्लास 10 की बात करूँ तो उसमें इतने डायग्राम है ही नहीं। सबसे मेन टॉपिक है यार आपके, अगर फिजिक्स की बात करूँ क्लास 10 की, वो है लाइट वाला। तो यार लाइट की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो यार उसमें डायग्राम्स नहीं है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स क्या कर सकता हूँ यार, लाइट वाला आपने मेरे चैप्टर देखा है, लाइट वाला जो चैप्टर मैंने बनाया उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो क्वेश्चन आपको दिए हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन दिए हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करो लिंक पे और यार उसे डाउनलोड कर लो उस PDF को, और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लो लाइट वाले चैप्टर में से, ठीक है ना गाइस? ये सारी बात आपको दिमाग में रखनी है। और इसके बाद यार अगर आपको डरना नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करिए। एंड के समय पे कुछ स्टूडेंट के पास अपने पेपर्स नहीं होंगे, सॉल्विंग पेपर नहीं होते हैं, सैम्पल पेपर नहीं होते, तो डरने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ शायद नवंबर दिसंबर से हमारा कोर्स तो शायद अब अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 9th 10th का साइंस का। तो यार अगर मैं बात करूँ यार उसके सैंपल पेपर्स की या किसी और बात की, तो यार वो मैं शायद नवंबर में या दिसंबर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दूंगा यार। एक क्लास 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे और उसके अंदर कुछ आपको सैंपल पेपर करने को भी दूंगा यार। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस पढ़ना है, चैनल पे लगातार बने रहिए यार, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पहुँचा रहा हूँ मैं। तो गाइस मिलते हैं, चलो यार अपनी वीडियो पर। अगर ये बात समझ में आ गई है वीडियो को लाइक करो और आगे।